तो बात की जा रही है यहाँ पे जो ओलिक एसिड के जो मोलिक्यूल होते हैं जिनके साइज होता है टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर तो इसका साइज अपन कैसे मेजर कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट एक एक है जिसको अपन यहाँ पे करेंगे परफॉर्म तो नहीं कर सकते पर उसको समझने की कोशिश करेंगे थ्योरेटिकली तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले अपन को ऑलिक एसिड लेना पड़ेगा और अपन को लेना पड़ेगा एल्कोहल ये टू अपन को यहाँ पे कंपाउंड लेने हैं और इनको क्या करना है यहाँ पे अपन को मिक्सर करना है यहाँ पर अपन एक सोल्यूशन रेडी करना है पहले अपन सोल्यूशन रेडी करेंगे उसके बाद में अपन वहां पे इसको परफॉर्म करेंगे ना तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको ओलिक एसिड का कुछ अमाउंट लेना है और वो कितना लोगे आप लोग वो लोगे वन सेंटीमीटर क्यूब आप चाहो तो बच्चों इसको वन सेंटीमीटर क्यूब को आप वन एम से भी समझ सकते हो कि वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है वन एम तो अपन यहाँ पर वन एम एल बोल के चलेंगे बजाय के यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो सेंटीमीटर क्यूब कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे तो वन एम अपन को ओलिक एसिड लेना है और नाइनटीन एम एल यहाँ पे अपन को एल्कोहल लेना है तो इन दोनों का अगर अपन सोल्यूशन लेते हैं तो सोल्यूशन जो मिलकर आएगा वो आएगा यहाँ पे एक नया सोल्यूशन हमारे लिए बन जाएगा तो मैं यहाँ पे ले लेता ले हूँ एक नया सोल्यूशन ले लेता हूँ ये नया सोल्यूशन ले लिया मेरे पास में और इस नए सोल्यूशन के अंदर जो टोटल जो यहाँ पे सोल्यूशन होगा वो कितना होगा यहाँ पे ट्वेंटी एम होगा यहाँ पर ट्वेंटी एम टोटल सोल्यूशन होगा अगर बात की जाए कि यहाँ पे ये यह जो ओलिक एसिड है इसका इसके अंदर अमाउंट कितना होगा यानी इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा तो अपन कह सकते हैं कि ये जो टोटल जो यहाँ पर ट्वेंटी एम टोटल जो यहाँ पे ट्वेंटी एम जो सोल्यूशन है इसके अंदर एसिड होगा? होगा तो ये इसका रेशियो है जो आपको का इस पूरे के अंदर. अब इसके बाद में क्या करना होता है ये जो सोल्यूशन होता है इस सोल्यूशन में से वन एम अगेन अपन को लेना होता है अब देखो यहाँ पे बच्चों बात की जा रही है कि क्यों रहे बार बार कर क्यों रहे तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये ओलिक एसिड है ये थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा डाइल्यूट बन जाए इसको डाइल्यूट बनाने के लिए अपन इसको करते हैं इसकी कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए अपन यहाँ पे बार बार यहाँ पे मिक्सर को ऐड कर रहे होते हैं एल्कोहल को ऐड कर रहे होते हैं अगर यहाँ पे अगर इसका डाइल्यूट सोल्यूशन अपन नहीं बनाते हैं तो उस केस में होगा क्या कि जब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे सपोज करो कि अपन यहाँ पे कोई सोल्यूशन रेडी नहीं करते हैं और उसको डायरेक्ट यहाँ पे अपन उसको परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी तो उस केस में होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर सोल्यूशन को इसके ऊपर एड करोगे वाटर के ऊपर

अदरवाइज अगर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस केस में यहाँ पर वन के ऊपर मल्टी लेयर बन जाएगा तो मल्टीलेयर अपन को यहाँ पर नहीं चाहिए अपन को मोनो मोनोमोलिकुलर लेयर बनानी है इसलिए कम कर रहे हैं यहाँ पर डाइल्यूट बना रहे हैं ना इसीलिए यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं ठीक है याद रखेगा तो अब अपन यहाँ पे सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पे रेडी किया और अपन ने से वापस अगेन ये जो सोल्यूशन बनाता है इससे अपन वापिस यहाँ पे वन एम एल वन एम एल अपन वापिस ले रहे हैं यहाँ से अब जब आप इसमें से इस सॉल्यूशन में से वन एम लोगे या फिर आप कह सकते हो कि वन सेंटीमीटर क्यूब इसमें से वापस इसमें से मतलब कि इसमें से कुछ अमाउंट अपन टेक कर रहे हैं अब जब आप इसमें से अमाउंट ले रहे होंगे तो अब आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर दोनों है ये जो सोल्यूशन लोगे ना आप वन एम तो इसके अंदर आपको ओलिक एसिड भी होगा और वो भी होगा ये एल्कोहल भी होगा तो किस रेशियो में होगा तो होगा वन रेशियो ट्वेंटी मतलब हो ये होगा ओलिक एसिड का जो रेशियो होगा वो ये रहेगा वन अब मैं क्या करता हूँ इसको ये जो वन एम मैंने टेक किया इसको अगेन

तो अब आप लोग देखोगे ये जो मिक्सर बना रहे हैं ये जो नया जो मिक्सर बन रहा है जो सोल्यूशन बन रहा है इसके अंदर क्या क्या है इसके अंदर ओलिक एसिड भी है और इसके साथ ही इसके अंदर एल्कोहल भी है अगर आप लोग अभी इसकी बात करूं अगर आप लोग अभी बात करें कि भाई यहाँ पे ओलिक एसिड का यहां पे इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी अगर इसके अंदर अगर इसकी ओलिक एसिड की कंसेंट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन होगा देखो आपने यहाँ पे कितना ऐड किया था मतलब इसमें जो अपन वन एम एल एड कर रहे थे उसके अंदर कंसेंट्रेशन कितनी थी ट्वेंटी थी वन अपॉन ट्वेंटी कंसेंट्रेशन थी इसकी अब आपने क्या किया जब आप इसको वापिस ट्वेंटी एम एल वापिस अगर आप उसको नया जो ट्वेंटी एम एल यहाँ पर जो सोल्यून बन रहा है हमारे पास में अगर इसके अंदर कंसेंट्रेशन देखें तो आप देखो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी वन अपॉन ट्वेंटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी तो सोल्यूशन मतलब कितनी हो जाएगी वन अपॉन फोर हंड्रेड यही आपको बताना है यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपना सोल्यूशन अगर पूरा अगर फोर हंड्रेड एम एल होता है तो उसके अंदर जो ओलिक एसिड होगा वो कितना होगा वो होगा यहाँ पे वन एम होगा आपको ये बात समझ आनी चाहिए तो अब यहाँ पे अपन ने जो है ना सॉल्यूशन वो रेडी हो गया हमारा ये सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया और ध्यान रखना इसके अंदर कंसनट्रेशन कितनी होगी वन अपॉन फोर हंड्रेड ये कंसेंट्रेशन है इसकी ओलिक एसिड की तो अभी हमारा ये जो सॉल्यूशन रेडी हुआ बच्चों ये जो सॉल्यूशन रेडी है ना ये सोल्यूशन रेडी कर लिया अब इसमें से भी क्या करना है अपन को अगेन वन अमल को यूज करना वन अम लेना और इस वन अमल का यूज करेंगे कहां पे एक्सपेरिमेंट में अपन तो चलिए इसमें से अपन ले रहे हैं यहां से इस सॉल्यूशन में से रखना इसमें से जो वन एम लिया जाएगा वहां पर तो लेकर ले चलते हैं वाटर के पास में कहा बच्चों वाटर के पास अपन इसको लेकर चल रहे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना ठीक है ध्यान है? रखोगे आप लोग चलिए तो अब यहाँ पे जो अपन वाटर लेंगे तो वाटर को लेने से पहले मतलब इसको

जो वन वाला जो सोल्यूशन रेडी बच्चों वो, वो क्या होता, कि वो, मतलब कि होता है होता अगर आप लोग अगर उसको इसके तो पता ही नहीं पाएगा. अगर आप वाटर के ऊपर उसको एड कर दोगे तो अपना पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे क्या जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल पाएगा तो अपन को पता चले इसके लिए अपन क्या करते हैं वहां पर ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसपेरेंट वहां पर पाउडर एड करते हैं इस वाटर के ऊपर

ओलिक एसिड यहाँ पर बच्चों यूज करने के पीछे रीजन ये भी है कि जो ओलिक एसिड होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कि इमेसीबल होता है ये यहाँ पर इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा ध्यान रखेगा यहाँ पे जो ओलिक एसिड होता है ये वाटर के अंदर एड नहीं होता है ये वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता है अगर आप लोग इसकी लेयर लोगे ना तो ये ऊपर ही रह जाएगा यहाँ पे ऊपर ही मतलब इसकी जो लेयर बनेगी ऊपर बनेगी मिक्स नहीं होगा वाटर के अंदर कौन ओलिक एसिड यहाँ पे मिक्स नहीं होगा तो जैसे ही आप इसको एड करते हो तो इसकी कुछ एक लेयर बन जाती है क्या बन जाएगी एक लेयर बन जाएगी ओली एसिड की तो ये वाटर के ऊपर ये एक लेयर बन गई ठीक है ये एक लेयर बन गई यहाँ पे और आप लोग देखो अपन अपन इसको साइड साइड से से देख रहे ना तो से देखने के बाद में को लेयर ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल लेयर बन रखी है ना सिंगल लेर होगी हो लेयर तो यहाँ पे मोनो मोनोमोलिकुलर लेयर ही बनेगी यहाँ पे सिंगल लेयर बनेगी यहाँ पे लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसे सर्कल सर्कल में ये लेयर बन रही होगी देखो ऐसे कुछ आप लोग डायग्राम देखो राइट साइड में तो कुछ ऐसे सर्कल में लेयर बन रही होगी ठीक है ये ऐसे सर्कल में ऐसे कुछ यासा सर्कल में एक लेयर बन रही होगी यहाँ पे कुछ इस टाइप से ना देखेगा इसको अच्छे से समझिएगा ये सर्कल में एक लेयर बन रही है पे और साथ में ये जो पाउडर था ना देखो पहले इस पाउडर यूज किया था तो वो जो पाउडर था वो पाउडर बच्चों पहले पहले पे था पहले पूरे पे था इसमें पहले पूरे पे था इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पे कवर कर रखा था वाटर को लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे ओलिक एसिड को एड करते हैं ना तो ये जो पाउडर होता है ये अलग हो जाता है मतलब अलग से मतलब कि वो उसके जो बीच जो सेंटर वाला जो सर्कल पार्ट होता है ना वो यहाँ पे ओलिक एसिड यहाँ पर कवर कर लेता है और जो पाउडर होता है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है दूर दूर हो जाता है और वो जो बीच वाले जो पोर्शन होता है वो कौन कवर कर लेता है ये कर लेता है पे ओलिक एसिड कवर कर लेता है तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो ओलिक एसिड होता है एक वो सर्कुलर फॉर्म ले लेता है यहाँ पे एक पे सर्कुलर फॉर्म ले लेता है आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो डायग्राम के अंदर है ना अपन को यहाँ पे साइड व्यू में अपन को पता नहीं चल पा रहा है बट आप लोग जब उसको ऊपर से देखोगे अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे ना ऊपर से तो कुछ ऐसा लग रहा होगा कुछ इस टाइप से कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ओलिक एसिड होगा बीच में और साइड में इसके चारों पाउडर होगा और इस पाउडर के नीचे यहाँ पे क्या होगा ओलिक एसिड और, और पाउडर के नीचे क्या होगा वाटर होगा ठीक है चलेगा तो ये आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है आपको देखो यहाँ पर थोड़ी मैथामेटिक्स की को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा तो अब अपन को बात करनी यहाँ पर देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो अगर ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अगर आप लोग ध्यान से देखते हो जैसे कि मैं इसको जूम करता हूँ अपन इसको इसको जूम जूम करें अगर आप लोग इसको जूम करते हैं अपन तो आप देखो कि यहाँ पे, पे कुछ थिकनेस बन रही है यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ थिकनेस है इसकी ये जो ओलिक जो मोनोमोलिकुलर ना इसकी कुछ थिकनेस बन रही ये ये थिकनेस है ये हमारी थिकनेस है और आप लोग देखोगे तो ये कितना है और यहाँ पे ये क्या होगा ये पूरा पूरा ये क्या है ये मोल ये अपना क्या ओलिक एसिड है ये पूरा का पूरा यहां पे ओलिक एसिड है और ओलिक एसिड का अपन कह सकते हैं ये क्या बन रहा है इसका वॉल्यूम है यहां पे अरे वॉल्यूम तो है यही तो होगा कितना पानी यहां पे यूज किया आप कह सकते हो कि सर वन सेंटीमीटर क्यूब यूज किया तो ये यूज किया था अपन यहां पे तो ये तो है हमारा यहां पे ओलिक एसिड है और ओलिक एसिड का यहां पे वॉल्यूम है यहां पे तो वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जा सकता है आपको मालूम होना चाहिए वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट आपको ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए बच्चों वॉल्यूम का वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट जैसे अगर आपको किसी का भी अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो ना जैसे अगर आपने सिलेंडर वगैरह का आपने फाइंड किया होगा अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मतलब कि उसका बेस अगर उसका बेस और ऊपर मतलब उसके मतलब इह, उसका अगर टॉप वाला पार्ट अगर लोअर वाला पार्ट की अगर उसके सेप अगर सेम होती है सेम होती है तो अपन उस केस में कौन सा वॉल्यूम फाइंड करना है तो अपन यहाँ पर फॉमूला यूज कर सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो बेस होता है

जो सिलेंडर होता है सिलेंडर का बेस कैसा बनता है सर्कुलर बेस बनता है कैसा बनता है सर्कुलर बेस बनता है और सर्कुलर का एरिया कितना होगा तो सर्कुलर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और आप अगर इसको एच से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा जो कि वॉल्यूम बन गया यहाँ पे सिलेंडर का तो जरूरी नहीं है क्या इसी का है। आप किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करो लेकिन ध्यान रखना है क्या उसका टॉप और बॉटम उसका जो शेप है वो सेम होना चाहिए चाहे फिर अपन बात करें यहाँ पे क्यूब की बात करें अगर आप लोग क्यूब की भी बात करते हो कि क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है जैसे कि मैं एक क्यूब लेता हूं लेकिन पर शर था कि उसका लोअर और उसका मतलब अपर पोर्सन और इसका लोअर पोर्सन दोनों का जो सेप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए ना जैसे कि बेस है तो उसका बेस का और दोनों का सेप सेम होना चाहिए तो ये यह यहां पे तो यहां पे भी इसके क्यूब के लिए आप यहां पे फॉर्मुला यूज कर सकते हो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ बेस इन हाइट देखो आप इसको क्यूब का अगर आप इसका बेस देखोगे तो इसका बेस का शेप कैसे तो बन रहा है तो इसका बेस का जो शेप बन रहा है वो कुछ यहाँ पेप बन रहा है पे पे इसका यहां पे इसका स्क्वायर स्क्वायर बन 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 रहा 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 देखो देखो जो बेस है है वो तो इस बेस का स्क्वायर का एरिया क्या होता आपको है आपको मालूम होना चाहिए अगर कोई भी स्क्वायर है अगर कोई भी स्क्वायर है, है तो उस स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सा है आपको मालूम होना चाहिए वो होता है साइड स्क्वायर क्या होता है साइड जैसे ये स्क्वायर इसका एरिया क्या हो जाएगा को एक से मल्टीप्लाई कर लो साइड स्क्वायर हो जाएगा और आपको यह भी मालूम होना चाहिए जो क्यूब होता है उसकी ऑल साइड पे इक्वल होती है चाहे 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 फिर 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 साइड की की बात 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 करो बात करो करो इसकी इसकी हाइट सब यहां पे सेम होती है तो अगर मैं इसका अगर वॉल्यूम फाइन करना तो मैं क्या करूंगा पहले एरिया निकालूंगा बेस का एरिया तो बेस का एरिया क्या होगा ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वा इन हाइट हाइट कितनी इसकी बच्चों हाइट है इसकी ए तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा ए क्यूब बन जाएगा यहाँ पे

तो वो भी एक सिलेंडर का शेप ले रहा है यहाँ पे देखो एक सिलेंडर का शेप ले, ले रहा है आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो एक सिलेंडर का यहाँ पे शेप ले रहा है ले रहा है ना यहाँ पे सिलेंडर का शेप ले रहा है यहाँ पे ये सिलेंडर का शेप है अब आप कहोगे नहीं सर ये तो रेक्टेंगुलर शेप लग रहा है अरे ये जो अपन देख रहे हैं ना ये साइड व्यू देख रहे हैं ये अपन साइड से देख रहे हैं अगर आप लोग इसको ऊपर से देखोगे अगर टॉप से देखोगे जैसे मैंने बताया था अगर आप लोग इसको टॉप से देखोगे तो टॉप से इसका शेप कैसे दिखाई दे रहा टॉप से इसका सर्कुलर शेप दिखाई दे रहा होगा देखो इस टाइप से आप लोग देख सकते हो इधर डायग्राम तो टॉप देखो देखो से देखोगे सर्कुलर डायग्राम बन रहा है देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे सर्कुलर इसका सेप बन रहा है ये ये सभी देख सकते हो ऊपर से सर्कुलर है और साइड से देखो तो ये भी एक सिलेंडर बन रहा है बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ना एक सिलेंडर सेप बन रहा है इसका तो सिलेंडर सेप का उसी से का सिलेंडर सेप का या यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का अपन कामला यूज कर सकते हैं बिल्कुल यूज कर सकते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे चलिए देखिएगा यहाँ पे तो आप लोग देखोगे मैं इसका साइज इसको थोड़ा वापस इसका थोड़ा इंक्रीज करता हूं तो आप इसी डायग्राम को समझिएगा देखो अभी अपन ने जस्ट फॉर्मुला देखा था कि अगर कोई भी सिलेंडर है अगर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो अपन क्या कर सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मतलब बेस का एरिया और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे देखोगे ये जो ओलिक एसिड है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ये जो ओलिक एसिड की जो लेयर बन रही बच्चों इसकी हाइट अपन सपोज करते हैं एच हाइट इसकी कितनी है इसकी एच हाइट है और इसका जो एरिया होगा इसका एरिया यही होगा यहाँ पे एरिया आप इसको साइड से देखो अगर आप इसको टॉप से देख रहे हो तो, एक यहाँ पे क्या बन रहा होगा एक सर्कुलर शेप बन रहा होगा जो नीचे बन रहा होगा बेस का वही ऊपर वाला बन रहा होगा तो एक सर्कुलर शेप बन रहा होगा तो सर्कुलर शेप का एरिया अपन फाइंड नहीं कर सकते क्या सर्कुलर शेप का एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है तो सर्कुलर शेप का अगर एरिया फाइंड करना तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर चाहिए तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है

और आपको ए आपको मालूम चल सकता है A को इधर में लेकर ले आ गया इधर क्या बच्चा एच बचा हाइट बच्ची यहाँ पे देखो अब देखो आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर हमारा जो फॉर्मला आ रहा है यहाँ पे एच एच यहाँ पे जो फाइंड होगी वो क्या फाइंड होगी ये फाइंड होगी इसकी हाइट फाइंड होगी यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो मोलिक्यूल होगा अपन कह सकते हैं कि पे जो जो भी एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसकी क्या कर रही है पे उसको अपन कह सकते हैं एक टाइप से उसका डायमीटर उसकी थिकनेस पता चल यूज किया था कितना लिया था अपन सेंटीमीटर क्यूब वन सेंटीमीटर क्यूब लिया था वन सेंटीमीटर क्यूब अपन ने लिया था बच्चों वन सेंटीमीटर क्यूब वन सेंटीमीटर क्यूब था पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए जो वन सेंटीमीटर क्यूब था पूरा पूरा का ओलिक पूरा एसिड थोड़ी था इसमें तो भी था पे तो वो जो ओलिक एसिड था तो बात की। तो बात अपन सिर्फ ओलिक एसिड की बात तो ओलिक एसिड का अमाउंट कितना था बच्चों वो था इसका कंसेंट्रेशन देखो अब यहां पर वो यूज होगा पे ओलिक एसिड कितना था तो इसके लिए अपन क्या करेंगे ओलिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि वन अपॉन फोर हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे अब बात की जाती है बच्चों अपॉन में एरिया है अपोन में एरिया भी चाहिए तो एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता क्या बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है पाई स्क्वायर का यूज कर, कर करके। तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है अब बात आ रही है आर की वैल्यू कैसे फाइंड करें अरे आर रेडियस है है तो ऊपर जो सर्कल बन रहा उसकी रेडियस आपको बतानी चाहिए तो रेडियस तो अपन मालूम कर सकते हैं क्योंकि आप लोग देखोगे अगर ये जो सर्कल बन रहा होगा ऊपर से आप लोग जब टॉप से देखोगे तो टॉप से एक सर्कल बन रहा होगा तो सर्कल बन रहा होगा तो क्या इसका डायमीटर अपन मेजर नहीं कर सकते क्या इसके डायमीटर को मेजर किया जा सकता है और डायमीटर का हाफ कर दो तो उसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी और वो जो आर की वैल्यू होगी वो आर की वैल्यू अपन इस में पुट कर देंगे इस फॉर्मुले में पुट कर देंगे और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा तो फाइनली बच्चों अपन ने यहाँ पे क्या सीखा फाइनली जो हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि जो हाइट है यानी कि जहाँ पे जो, जो मोलिक्यूल था उस मोलिक्यूल की अपन ने हाइट मेजर की हाइट मेजर की इट मीन उसकी साइज मेजर की और साइज मेजर करने के लिए अपन फॉर्मुला क्या यूज किया वी अपॉन v अपॉन यहां पे जो एरिया था एरिया का फॉर्मूला अपन देख लिया आपको मालूम है, 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 तो है, है अब आपके बुक के अंदर यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर रखा है n और यहां पे टर्म n और सिंबल यूज कर रखा है तो n यहाँ पे क्या बताता है n बताता है कि नंबर ऑफ यहाँ पे ड्रॉपलेट आप ये भी कह सकते हो कि उसकी जो आप लोग जो ड्रॉप ले रहे हो कितनी ड्रॉप ले रहे हो कितनी ड्रॉप ले रहे हो तो आप ये देख लो कि वन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है यहाँ पर मेजर कर, तो कर लो वो आपको पता चल जाएगा और कुल कितनी है उसको से मल्टीप्लाई कर लो तो यही हमारा फॉर्मला हो जाएगा और इससे अपन पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पर बच्चों मैं आपको ये भी बता बता देता हूं कि यहाँ से जो भी आंसर आएगा ना वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा यहाँ पे यहां से भी जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा अप्रोक्स आंसर आएगा क्योंकि यहां पे भी कई सारी यहाँ पे कमियां रह जाती है कई सारी यहाँ पे भी ड्रॉबेक इसके ड्रॉपबेक यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भी अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे क्योंकि जो उसको जब जरूरी थोड़ी ना कि अगर अपन वहाँ पे उसको जब यूज कर रहे करेंगे तो उसका जो शेप है बिल्कुल यहाँ पे सर्कुलर शेप बने यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है जब आप ओलिकेशन वहाँ पे यूज कर रहे हो वहाँ पे और तो बस यही है एक ये हो गया बीच में यहाँ पे गैप भी होता है आप लोग देखोगे जब यहाँ पे मोलिक्यूल होंगे जब ये मोलिक्यूल बन रहे होंगे तो इनके बीच में गैप भी होगा तो वो बिल्कुल अपन इसको पूरा सिलेंडर भी नहीं बोल सकते इसको क्या इसको पूरा सिलेंडर बोल सकते हैं क्या बिल्कुल पूरा सिलेंडर भी नहीं बोल सकते तो हाँ कुछ तो यहाँ पे एरर रहेगी यहाँ पे पर अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा पे आई थिंक बच्चों अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा बच्चों अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम की अपन ने यहाँ पे लेंथ को मेजर करना सीख लिया चाहे फिर वो लेंथ बहुत कम हो चाहे लेंथ बहुत ज्यादा हो यहाँ पे मास को भी मेजर करना सीख लिया अपन चाहे मास बहुत कम हो चाहे मास बहुत ज्यादा हो चाहे मोलिकुलर लेवल पर हो चाहे फिर वो लार्ज सिलेस्टियल जो भी खगोलीय पिंड होते हैं उस लेवल पर हो वहाँ पे उसको भी मेजर करना सीख लिया अपन ने यहाँ पे लेकिन बच्चों बात की जा रही है यहाँ पर टाइम को अगर अपन को टाइम को मेजर करना है तो फिर कैसे मेजर करें अपन यहाँ पे तो देखो अगर बात की जा रही है यहाँ पे अर्ली टाइम देखो अभी तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास में स्मार्ट वॉच है रिस्ट वॉच है यहाँ पे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में वॉच है लेकिन अगर एंशियन टाइम की बात करें तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं लेकिन फिर भी वहाँ पर अपन टाइम वगैरह को वहाँ पर मेजर किया जाता था तो उस समय टाइम को कैसे मेजर किया जाता था तो देखो अगर टाइम की अगर बड़ी बड़ी अगर अपन यूनिट की बात करें तो किस में होती है जैसे कि सबसे पहले पहले हम बात करते हैं ये ये की बात करते हैं की तो जो ली जाती थी वो वो के लिए करते 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 थे। year यूज करते थे। year मेजर year मेजर करते थे कैसे किया जाता था? अपन ऐसे कि जो अर्थ होता है अर्थ ये ये के कितना टाइम ले रहा है अर्थ जो वहां पे वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है उसी टाइम को अपन ने क्या बोल दिया वन ईयर बोल दिया एवरेज बात कर रहा हूँ एवरेज तो एवरेज यहाँ पे अपन मान लिया कि भी जो वन ईयर होता है यहाँ पे कुल कितना मतलब कि जो अर्थ होती है वो पूरा कंप्लीट वन राउंड वन रेवलेशन कंप्लीट करने में यानी सन के चारों चक्कर लगाने में एक वन ईयर यहाँ पर कंप्लीट कर जाता है एक साल पूरा लग जाता है तो अपन ने यह टाइम पहले अपन इसको टाइम को ऐसे मेजर करते हैं फिर उसके बाद में अपन ने धीरे धीरे देखा कि नहीं यार टाइम तो यहाँ ईयर तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है तो ऐसे में अपन क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और इसको स्मॉल करने की कोशिश की तो स्मॉल कैसे किया फिर अपन ने फिर उसको अपन ने किया मंथ में उसको कन्वर्ट किया

लेकिन अपने अपन चाह रहे थे कि यार बंथ भी काफ़ी बड़ी यूनिट है तो इसको भी अपने स्मॉल में कर दिया इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने डेम में डेम में कैसे कन्वर्ट कर दिया आपको मालूम होना चाहिए हमारी जो अर्थ है बच्चों ये अर्थ भी क्या करती है अपनी एक्सेस पर रोटेट 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 रोटेशन को यानी कि वन रोटेशन को कि वन रोटेशन को कंप्लीट करने में कि ये कितना टाइम ले रही एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है उसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको हमने कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर दिया कर दिया डे में वन डे बोल दिया यानी अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया इसने इसका मतलब क्या हो गया वन डे यहां पे कंप्लीट हो चुका है यहां पे ठीक है यह अपने कंप्लीट कर लिया पे। फिर उसके बाद में डे भी यहाँ पर बड़ी यूनिट लग रही थी तो अपन को इसको भी स्मॉल करना था तो इसको स्मॉल कैसे किया फिर इसको टू पार्ट में डिवाइड को भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने यहाँ पे जैसे कि बात की जाए यहाँ पे अब देखो, इसको पे क्या कर दिया हाफ डे हाफ डे हाफ डे हाफ डे लेकिन ये भी बड़ी बड़ी यूनिट लग रही थी यहाँ पे तो, उसको भी अपने स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया तो स्मॉल यूनिट में अपन कन्वर्ट कैसे कर दिया इसको अवर में कंप्लीट कर दिया अवर में इसको कन्वर्ट कर दिया अवर में कैसे कन्वर्ट कर दिया हमने क्या किया कि जो भी वन डे है इस वन डे को इसको ट्वेंटी फोर आवर में इसको कन्वर्ट कर दिया ट्वेंटी फोर यानी छोटे से मतलब स्मॉल मतलब इक्वल अमाउंट में इसको ट्वेंटी फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया और ट्वेंटी फोर टाइम में इसको मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिया और वो जो ट्वेंटी फोर वो ट्वेंटी फोर पार्ट थे उसको अपने किस नाम से जाना उसको अवर के नाम से जाना

ट्वेंटी फोर को मैं मतलब ट्वेंटी फोर पार्ट में वन डे को अपन ने क्या किया ट्वेंटी फोर पार्ट में अपन उसको आ, उसको मतलब अलग कर दिया सेपरेट कर दिया डिवाइड कर दिया और वो जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पार्ट में जो डिवाइड किया अपन ने ऐसे देखो आप लोग तो जो ट्वेंटी फोर है ना जो ट्वेंटी है ना अपन ने क्या किया कि जो वन डे का पूरा टाइम है उसको ट्वेंटी फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में डिवाइड किया ट्वेंटी फोर पार्ट में डिवाइड किया वन डे को वन डे कोई ट्वेंटी फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी कि देखो ये पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में अपने डिवाइड कर दिया ठीक है कितने पार्ट में ट्वेंटी फोर पार्ट में और ये जो ट्वेंटी फोर जो पार्ट होंगे क्या ये ट्वेंटी फोर पार्ट हो गए क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फोर पार्ट में अपने इसको डिवाइड कर दिया और ये जो ट्वेंटी फोर पार्ट का जो वन पार्ट है इस वन पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया इसको अवर नाम दिया इसको इसको अवर नाम दिया और इस अवर को भी अब इस आवर को देखो वन पार्ट अगर वन आवर है तो कुल वन डे में कुल कितने आवर हो गए यहाँ पे ट्वेंटी फोर आवर हो चुके हैं यहाँ पे अब हमने क्या किया कि ये जो वन आवर आया यहाँ पे इस वन आवर को भी अपन ने क्या किया इसको सिक्सटी पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया सिक्सटी पार्ट में अब मैं यहाँ पे सिक्सटी तो बाहर बनाऊंगा नहीं यहाँ पे मतलब कि सिक्सटी पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर दिया ठीक है वन आवर को भी सिक्सटी पार्ट में डिवाइड कर दिया और वो सिक्सटी पार्ट का जो वन पार्ट होगा? होगा वो क्या होगा यहाँ पे मिनट होगा वो क्या होगा मिनट होगा यानी अपन ये कह सकते हैं कि वन आवर में कुल कितने मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट होते हैं

वो कुल कितने 60 पार्ट में डिवाइड किया तो वो जो 60 पार्ट को अगर वन वन पार्ट को अगर वन सेकंड बोल रहे हैं तो 60 पार्ट यानी कि 60 सेकंड ये 60 सेकंड में डिवाइड कर दिया यानी कि ये जो हमारी यूनिट आ गई वो सेकंड में आ गई बच्चों लेकिन बच्चों बात की जा रही कि जो वन सेकेंड है ये वन सेकेंड कैसे मालूम चलेगा कि वन सेकेंड को अपन मेजर करना है तो इस वन सेकंड को अपन कैसे मेजर करें यही हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए मतलब कि कह सकते हैं कि हमारे दिक्कत वाली बात है कि वो अब सन वगैरह से तो पता चल जाता है कि भाई हाँ कि अर्थ रोटेट कर रही है कि भी कितना चक्कर लगा रही है तो उससे मोन वगैरह से ले लेते ले हैं पे लेकिन सेकंड को कैसे मेजर करें पे सेकंड को कैसे मेजर मेजर किया जाए तो इसको मेजर करने के लिए बच्चों अपन पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को यूज करते हैं तो वो डिवाइस कौन कौन से यूज की जाएंगे जैसे कि सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट देखो अपन यहाँ पे क्लॉक यूज करेंगे ना जैसे सबसे पहले बात की जाएंगे पेंडुलम क्लॉक का तो पेंडुलम तो जानते हो ना आप लोग जानते होंगे अच्छे से जो पेंडुलेशन करता है ऐसे ऑस्किलेशन करता है तो यहां पर अपन ने ऐसी क्लॉक यूज की जिसके अंदर पेंडुलम की हेल्प से अपन ने क्या किया पेंडुलम की हेल्प से ने यहां पे सेकंड को मेजर करना सीखा ने यहाँ पे कि भाई सेकंड को मेजर करना सीखा है यहाँ पे लेकिन अपन चाहते थे कि यहाँ पे एक्यूरेसी आए तो एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए तो अपन पेंडुलम क्लॉक के बाद में फिर अपन और अच्छी क्लॉक यूज करने लगे जैसे कि अपन जो ऑर्डिनरी जो क्लॉक होती है ना जो भी आपकी जो रिस्ट वॉच होती है जो ऑर्डिनरी क्लॉक यूज करते हैं या फिर जो दीवार हो ना पेंडुलम क्लॉक की बात नहीं कर रहा करूँ जो भी वॉल वॉच होती है तो उसके अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर यहाँ पे यूज किया जाता है एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है बैलेंस वील्ड बैलेंस देखो मेन पार्ट आपको मालूम होना चाहिए सबको बच्चों आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि तो उसकी फ्रीक्वेंसी से अपन मतलब टाइम को कंपेयर कर रहे होते है सेकंड न, तो से में 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 हैं तो से को रहे होते है सेकंड को तो पेंडुलम क्लॉक की बात करेंगे तो वहां पर हमारे लिए मेन कौन होगा पेंडुलम होगा ठीक है उसके बाद में और कई सारे यहाँ पे यहाँ पे इसके यहाँ पे कई सारे गियर वगैरह यूज करते हैं

और भी मैकेनिज्म होते हैं ऐसे कई सारे गियर होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे से गियर होते हैं इनका यहाँ पर रोटेशन होता है यहाँ पे तो बैलेंस व्हील का यूज करके अपन क्या करते हैं यहाँ पे सेकंड को डिसाइड करते हैं कि वन सेकंड कितना होगा यहाँ पे उसके बाद में एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं और यहाँ पे न्यू न्यू यहाँ पे अपन कंपोनेंट यूज करने लगे जिसके अंदर एक आता है यहाँ पे क्वार्स अब देखो टेक्नोलॉजी यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर हमारा नया आता है यहाँ पे क्वार्ड्स है ना यहाँ पे बच्चों अब जो यहाँ पे वॉच यूज की जाती है जैसे कि क्वाड्स वॉच है ना अपन कह सकते हैं क्वार्ड वॉच भी बोला जाता है तो क्वार्ज क्या होती है यहाँ पे ये नाम है बच्चों क्या है एक क्रिस्टल है एक बच्चो एक बच्चों क्रिस्टल होता है इस क्रिस्टल का यूज किया जाता है यहाँ पे जो भी थोड़ी सी यहाँ पे जो अच्छी जो, जो यहाँ पे जो वॉच वगैरह होती है यहाँ पे मतलब एक्यूरेसी को एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए अपन यहाँ पे एक क्रिस्टल यूज करते हैं और उस क्रिस्टल का नाम है क्वार्स ये क्वार्ड कुछ इस टाइप होता है ना आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम भी इसका दे रखा है इस टाइप से इसका डायग्राम होता है यहाँ पे और इसके वाइब्रेशन है ना इसको एनर्जी तो कुछ इस टाइप से होता है ये इस टाइप से एक क्वार क्रिस्टल होता है जिसका कुछ इस टाइप से अपन सेल लेते हैं इसको क्या करते हैं अपन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मतलब एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करते हैं जो आप सेल वगैरह यूज करते हो ना बैटरी जो सेल वगैरह जो छोटे छोटे सेल यूज किए जाते हैं वॉच के अंदर तो वो सेल तो क्या करता है इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से इसमें क्या होता है वाइब्रेशन होता है इस क्वार्ड क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन को अपन यहाँ पे सेकंड के अंदर उसको काउंट करते हैं अपन है ना कितने वाइब्रेशन वा उसका मतलब उसको एक उसकी बेसिक यूनिट ले लेते हैं अपन कि भाई इतने वाइब्रेशन से अपन इसको एक सेकंड के इक्वल उसको मान लेंगे यहाँ पे तो क्रिस्टल का यूज किया गया यहाँ पे लेकिन हम चाह रहे थे कि यहाँ पे और अच्छी यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज किया जाए यहाँ पे तो और इसको अच्छा बनाने के लिए अपन यहाँ पे इसको और एडवांस बनाने के लिए एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे यूज किया जाता है बच्चों एटोमिक यहाँ पे यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे एटोमिक यहाँ पे वॉच यूज की जाती है एटोमिक वॉच

स्क्वाड्स वॉच तो आप लोग आप लोग मिल जाएगी आप लोग यूज भी कर सकते हो आप लोग वॉच में उसको मतलब खरीद भी सकते हो आप लोग और चाहे बात करें ये तो ये ये वाली भी आप ऑर्डिनरी तो अपन खरीदते हैं पेनते वगैरह भी हैं यहाँ पे पेंडुलम भी आपको मिल जाएगी लेकिन जो बात की जा रही है यहाँ पे एटॉमिक जो वॉच होगी वो हमारे बस में नहीं है मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं इसको जो भी स्टैंडर्ड जो लेब वगैरह होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है जैसे कि जो एटोमिक वॉच है इसका यूज़ कर रखा हमारे इंडियन हमारे जो लेब है यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए बच्चों एक लैब है हमारे इंडिया के अंदर जिसका नाम है तो नेशनल फिजिकल है, है, है नेशनल आपको होना है, मैंने के अंदर एक पूछा था, नेशनल वहां पर सिचुएटेड हो रखी वहां पर रखी गई वहां पर इसको मेजर करते टाइम को वहां पर मेजर किया जाता है तो बात की जा रही है कि जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ये कहाँ पे चलिए बताइए कहाँ पे चलिए आंसर कीजिएगा आपको बताना बच्चों जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर वो कहां आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा वहां पे जरूर ट्रेनिंग करके आइएगा वहां पे है ना जरूर आप लोग खुश नसीब हो गए आपको मौका मिलता है है अगर आप लोग ट्रेनिंग करने का ठीक चलिए आपको बिल्कुल मालूम है आपको दिल्ली बिल्कुल सही है कल मैंने पूछा भी था क्वेश्चन तो जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है कहाँ पे दिल्ली के अंदर यहाँ पे है बच्चों दिल्ली के अंदर तो हमारा जो इंडियन जो स्टैंडर्ड जो टाइम है बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो जो टाइम होता है वो भी किससे मेजर किया जाता है एटोमिक वॉच से जो एटोमिक वॉच है उस एटोमिक वॉच की हेल्प से मेजर किया जाता है अब वो जो एटोमिक वेज वॉच है यहां पर सर वो अब क्लोज हो गई है क्लोज हो गई यहां पे किसने कहा क्लोज हो गई है क्लोज हो गई क्या नहीं नहीं गूगल ने कहा क्लोज हो गई अरे क्लोज हो गई मतलब वो टाइमिंग होगी शायद टाइमिंग होगी वो शायद उसके ओपन होने की भी टाइमिंग होती है ना वो शायद आपने ये देखा होगा उसकी टाइमिंग देखी होगी क्योंकि हर चीज का टाइमिंग होता है ना कि इतनी बजे ओपन रहेगी इतनी बजे क्लोज होगी तो शायद आपने देखा होगी उससे आपने लेट देखा हो कि भी इसकी टाइमिंग क्लोज होगी ये हो सकता है ओपन क्लोज का आपने देखा होगा ठीक है ये देखा होगा शायद आपने चलिए देखो यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे कि एटॉमिक क्लॉक की बात कर रहे हैं ना

उस सीजियम एटम को हम क्या करते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद में उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों उसके अंदर जो उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन देखो आपको पता होना चाहिए अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे वहां पर उसमें वाइब्रेशन तो आएंगे तो वो जो वाइब्रेशन होते हैं बच्चों उन वाइब्रेशन को काउंट किया जाता है उन वाइब्रेशन को काउंट किया जाता है और इसकी भी वैल्यू है तो जो सीजियम एटम को वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद में अगर उसके जो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें वाइब्रेशन अगर वो वाइब्रेशन बच्चों अगर नाइन बिलियन है ना नाइन बिलियन अगर वन ट्वेंटी वैल्यू रख देता हूँ आपको ये कुछ इसकी वैल्यू है याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है कोई नहीं पूछेगा आपसे इसकी वैल्यू कितनी है पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको मालूम होना चाहिए फिर भी तो बच्चों यहां पर बताया जाता है कि अगर वो जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने पे अगर उसका इलेक्ट्रॉन अगर वो इतने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता अगर इतने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो जो वाइब्रेशन होते हैं ये जो वाइब्रेशन होते हैं ये होते हैं वन सेकेंड के इक्वल होते हैं यहाँ पे सेकंड के इक्वल होते हैं या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वन सेकंड के अंदर जो सीजियम एटम मतलब जो सीजियम एटम में जो वो वाइब्रेशन होते हैं वो कुल कितने वाइब्रेशन होते हैं इतने वाइब्रेशन होते हैं कैसे इसको रीड कैसे कर सकते हो आप बिलियन में रीड कर सकते हो कि नाइन बिलियन वन नाइनटी टू मिलियन सिक्स थर्टी वन थाउजेंड और सेवन हंड्रेड सेवेंटी इतने वाइब्रेशन बच्चों तो इतने वाइब्रेशन को अपन क्या बोलेंगे इसको इक्वल मानेंगे वन सेकंड के इक्वल मानेंगे और यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है जो सेकंड अपन डिसाइड करते हैं ना वो इसी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और हमारे जो हमारे जो मतलब जो भी टाइम होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आपको मालूम होना चाहिए बच्चों हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होता है तो हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है इसी बेसिस पे डिसाइड होता है और कहाँ पे है कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पर ये वहाँ पे ये मतलब कि एटॉमिक वॉच है जहाँ पे इसको मेजर किया जाता है और आपको ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी आपको वर्ड दिखे ना आई एस टी आई एस टी आपको कहीं जगह आपको पढ़ने को मिला होगा तो ये जो आई एस टी का जो मीनिंग का जो इसका जो मीनिंग होती है फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना ध्यान रखेगा इसकी फुल फॉर्म याद रखेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये आपको ध्यान रखना है ठीक है कौन सा इसके अंदर, मतलब अंदर वाइब्रेशन को अपन वन सेकंड के इक्वल मानते हैं और आपको ध्यान रखना इसी का यूज क्यों किया जाता है क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत ज्यादा होती है इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसका बार बार इसका मतलब नहीं आता है इसमें इतना चेंज नहीं आता है हर बार ये जो वन सेकंड में होती है इतने ही वाइब्रेशन कर रही होती है ये हर मतलब कि हर वन सेकेंड में इतने ही वाइब्रेशन कर रही होती है ये आपको मालूम है जी? अगर इसके वाइब्रेशन यहाँ पे अगर सेम आ रहे हैं अगर वाइब्रेशन सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी होगी वो भी क्या होगी सेम होगी बच्चों यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे सी का भी अपन मतलब सीजियम का इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है वैसे यही है इसके अंदर और अगर बात की जाए यहाँ पे अगर इसमें एरर की बात की जाए तो एरर अगर इसके अंदर आएगी तो एरर कितनी आ सकती है एरर का जो यहाँ पर रेशो है बच्चों बहुत ही कम रेशो होता है। एरर का जो रेशियो दी अपन एर टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन टर्टीन इतना कह सकते हैं कि अगर इसका एरर आती है अगर इसमें अगर वन सेकेंड की अगर एरर आएगी ना तो वन सेकेंड की एरर कितने में आएगी इतने सेकेंड बचो इतने सेकंड के अंदर वन एरर आ सकती है सेकंड बेस देखो तो आप लोग देख सकते हो इसका रेशियो कितना कम है पे एरर का आप लोग रेशियो देख सकते हो तो यहाँ पे मतलब कि अगर अगर एरर भी आती है ना इतने सेकंड होंगे तब जाके पे कोई हो सकता है कि किन वहां पे एरर आए वन सेकंड के एयर आए वन सेकंड में अगर आगे पीछे होगा ना तो इतने सेकंड में आगे पीछे होगा अब आप लोग देख लो ये सेकंड कितने किसके इक्वल होगा ये सेकंड किसके किसके इक्वल होगा कितने सालों साल लग जाएंगे बच्चों एक सेकंड में वहां पे चेंज आने में

अपन लेंथ को भी मेजर करना सीखा है अपन ने मास को भी मेजर करना सीखा है और अपन ने टाइम को भी मेजर करना सीख लिया तो इनका जो रेशियो होता है ना रेशियो मतलब कि स्मॉल small, अगर स्मॉलेस्ट अगर ध्यान रखेंगे अगर लेंथ की अगर स्मॉलेस्ट यूनिट अगर स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ और सबसे यहाँ पे जो फारजेस्ट जो लेंथ होती है सबसे छोटी लेंथ और सबसे बड़ी लेंथ उनका जो रेशियो होता ना, ना, है ना स्मॉल और बिगेस्ट ना स्मॉल या बिगेस्ट कह सकते हो या फिर लार्जेस्ट कह सकते हो ध्यान रखेगा स्मॉल और लार्जेस्ट जो लेंथ है उनका जो रेशियो आता है वो आता है टेन टू दावर फोर्टी वन रेशियो आता है अगर बात की जा रही है यहां पर मास की बच्चों अगर मास की अगर बात करें जो स्मॉलेस्ट मास अगर स्मॉलेस्ट मास का अगर आप रेशियो देखोगे स्मॉलेस्ट मास और large, जो, न, जो, न, लार्जेस्ट जो मतलब की जो लार्जेस्ट जो मास होगा स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट मास का जो रेशियो होगा वो भी आता है टेन टू दावर फोर्टी वन आता है और अगर बात करें बच्चों यहाँ पर टाइम का अगर टाइम का भी अगर बात करें यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट जो टाइम होता है सबसे स्मॉलेस्ट जो टाइम है और या फिर बात भी कितना आता है? वो आता 10 41, 2. तो आप लोग कि रेशियो आ रहा है वो लगभग सबका क्या रहा है सिमिलर आ रहा है यहाँ पे यहां पे क्या रहा? सिमिलर आ रहा है तो आप लोग देख सकते हो चाहे तो आप इसको एक कॉन्फिडेंस बोल सकते हो या फिर कुछ भी कहो ये यहाँ पे क्या लगभग सेम आ रहा तो ये एक है जो रिलेशन आप लोग ध्यान रख सकते हो यहाँ पे है ना स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे अगर आप स्मॉलेस्ट लेंथ लोगे तो उसके पावर फोर्टी वन आप लोग चाहे एग्जाम्पल से भी देख सकते हो आज का हमारा आपको याद होना चाहिए टेबल की थी, जैसे कि ये, ये मास का हो गया और ये लेंथ का हो गया ये देखो आप लोग इसका लेंथ का ना देखो लेंथ का अगर आप लोग रेशियो देखो तो कितना आ रहा है 15, और यहां पर लार्जेस्ट कितनी है को एड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे दोर्टी वन यहाँ पे देखो ये इसका रेशियो है यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो कि लेंथ का रेशियो भी कहता है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट साइज और यहाँ पर सबसे बड़ा जो साइज है उनका जो रेशियो है टेन टू दि पावर फोर्टी तो ये रेशो है जो आप लोग ध्यान रख सकते हो बेस यही है आज के लिए